नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मीम टीच के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। बात करते हैं सुपर डोज कॉइन के बारे में और आपको मैं बताता हूँ कि क्या है इसका रोड मैप और क्या करने वाली है सुपर डोज कॉइन की टीम। देन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमने इंस्पायर होके एलोन मस्क से यहाँ पे भैया ये कॉइन बनाया है और यहाँ पे टेलीग्राम, ट्विटर, ईमेल और यहाँ पे BS स्कैन का डायरेक्ट लिंक दे दिया है जहाँ से आप इसके होल्डर भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसकी टीम का ये मानना है कि हम यहाँ पे भैया 70% सप्लाई दे रहे हैं प्री सेल के अंदर। देन यहाँ पे जो रिमेनिंग सप्लाई है उसको हम बर्न कर देंगे, इससे कि जो टोकन है उसकी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए और आप यहाँ पे भैया लैम्बोर्गिनी भी परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भैया कितनी इसकी बातों में दम है और क्या करते हैं फ्यूचर में, ये तो अब यहाँ पे बाद में पता चलेगा। उसके अलावा बात करते हैं सुपर डोज टोकनॉमिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4% जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर एक होल्डर के अंदर और यहाँ पे 6% सिक्योरिटी पूल के अंदर लॉक कर दिया गया है। देन यहाँ पे भैया प्री सेल बर्न की बात की गई है। वी विल बाय दिस टोकन फ्रॉम द मनी वी राइज ऑन प्री सेल एंड बर्न इट ऑन डेड वॉलेट। अभी यहाँ पे भैया इनका ये भी मानना है कि हम यहाँ पे प्री सेल एंड करने के बाद जो पैसा वहाँ से कमाएंगे तो उससे हम टोकन को बर्न भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/4 trillion की सप्लाई है लगभग, यहाँ पे शिबा यूनिकॉर्न की तरह ही काफ़ी मकदार के अंदर इसकी भी सप्लाई है। अगर ये बर्निंग करते हैं तो पॉसिबल होता है कि ये जो आंकड़ा है अपना जो रिकॉर्ड है उसको बना सकता है और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ये टोकन राइज भी कर सकता है। अभी हमें ये कहा जा रहा है कि फंड आर सेफ, इनिशियल लिक्विडिटी विल बी लॉक्ड। अब यहाँ पे भैया पैनकेक स्वैप की लिस्टिंग के बाद यहाँ पे जो है वो इसकी जो लिक्विडिटी है उसको भी लॉक करेंगे। देन यहाँ पे मार्केटिंग वॉलेट के अंदर 5% उन्होंने छोड़ा है और यहाँ पे टोटल सप्लाई के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70% फॉर प्री सेल, 20% फॉर लिक्विडिटी, 5% मार्केटिंग डेवलपमेंट, 3% एयर ड्रॉप एंड 2% रिवर्स के अंदर ये चला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड मैप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई गई है। अगर आप चाहें तो इसकी ये जो रोड मैप है आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके चेकआउट कर सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के अंदर तमाम चीज़ें प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर फेज़ 5 कमिंग सून। अब यहाँ पर भैया काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि भैया जो प्री सेल के अंदर टोकन्स आते हैं उसको किस तरीके से परचेज़ किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि भैया परचेज़ करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक को कॉपी करना होता है और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना होता है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिंक को कॉपी कर देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से प्री सेल के अंदर परचेज कर सकते हैं। सो अब हम आ गए हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर और आपको यहाँ पे डी एप्स के अंदर आके आपको यहाँ पे लिंक करना है पेस्ट जो कि आपने कॉपी किया था और आपको यहाँ पे सिंपली करना है सर्च। आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे sdoge.finance की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे इथेरियम को हटा के आपको स्मार्ट चेन के अंदर कन्वर्ट करना है क्योंकि ये जो टोकन है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर क्रिएट किया गया है। तो भैया इसको परचेज करने के लिए भी बाइनेंस स्मार्ट चेन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल करना है नीचे और आपको यहाँ पे क्लिक करना है बाय प्री सेल के ऊपर, तो आपके सामने यहाँ पे डीएफ बिल्डर की एक वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस टोकन को यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली अमाउंट यहाँ पे भैया डालनी होती है। अगर आप चाहें तो इसको 0.01 BNB के अंदर भी परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितने टोकन मिल रहे हैं। और यहाँ पे भैया अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है बाय के ऊपर, तो आपके यहाँ पे टोकन भी ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप जितने टोकन चाहें परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, टोकन को परचेज़ करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च भी कर लेना क्योंकि हम कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।